हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी रेसिपी जिसे डायबिटिक पेशेंट या जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं अपने लंच या डिनर में खा सकते हैं। इस रेसिपी में है किनोआ और उसके साथ हम बनाएंगे स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स। ये कॉम्बिनेशन बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। किनोआ एक होल ग्रेन फूड है जो ग्लूटेन फ्री होता है। होल ग्रेन होने की वजह से फाइबर रिच फूड है। इसमें सभी 9 तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। सुपर फूड की कैटेगरी में आता है क्योंकि बहुत न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड है। किनोवा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज करने में हेल्प करता है। इसमें एक सैपोनिन फाइटोकेमिकल कंपाउंड मिलता है जो कि किनोवा सीड की आउटर लेयर में पाया जाता है। इस सैपोनिन्स को इन सीड से अलग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें 3 से 4 बार किनोवा सीड्स को वॉश करना होगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये सैपोनिन से कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं, इसलिए इस सैपोनिन को हटाना बहुत ज़रूरी है। वॉशिंग और सोकिंग से आप इस सैपोनिन्स को हटा सकते हैं। ये देखिए, मैं पानी बदल बदल करके 3-4 बार इसे वॉश कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1 कप किनोआ लिया है। ये देखिए, मैंने इसे 3 बार वॉश कर लिया है। अब मैं इसे पानी डाल रही हूँ और इसे 10 से 15 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। अब फाइनली हम इसे अच्छी तरह से एक बार और वॉश कर लेते हैं और ये जो पानी है इसे हम फेंक देंगे। ये लीजिए, हमारा सोक्ड किनोआ बिल्कुल तैयार है। अब इसे कुकर में डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप किनोआ लिया है तो मैं 2 कप से थोड़ा कम पानी ले रही हूँ। आप इस रेशियो में किनोआ बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट क्रंची टेस्ट का किनोआ तैयार होगा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इसे 2 विसल तक हमें मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। ये लीजिए, हमारा सॉफ्ट ग्रेनी क्रंची फाइबर रिच किनोआ बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, पकने के बाद किनोआ कुछ इस तरह का लगता है। इसे आप 2-3 दिन तक जार में बंद करके फ्रिज में भी रख सकते हैं और अपने सैलेड्स में भी खा सकते हैं। अब वेजिटेबल्स बनाने के लिए 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक और ग्रेटेड जिंजर। अब इसमें डालेंगे थोड़े से स्लाइस किए हुए अनियंस। मुझे अनियंस बहुत पसंद है इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा प्याज डालती हूँ। इनको 1 मिनट तक सॉटे कर लेना है। अब इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। उसमें मैंने ली है यहाँ पे बीन्स, गोभी, उसके साथ डालेंगे थोड़ी सी ब्रोकली और उसके साथ हम डालेंगे लंबी कटी हुई गाजर। उसके साथ हम डाल रहे हैं 2 हरी मिर्चें जिनको मैंने लंबा काट लिया था। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब इन्हें ढक कर के हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है। तीन मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी शिमला मिर्च और डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक
आप चाहें तो डिनर के टाइम इसमें नमक भी अवॉइड कर सकते हैं। अब इन सब्जियों के हमें 1 से 2 मिनट तक इसी तरह खुला पकाना है। इन सब्जियों को हमें ओवर कुक नहीं करना है। सारी सब्जियां लगभग पक चुकी हैं। अब फाइनली हम इसमें डालते हैं काली मिर्च का पाउडर। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ये लीजिए, इस तरह से हमारे सॉर्टेड वेजिटेबल्स या स्टर फ्राई वेजिटेबल्स तैयार हैं। इसे आप किनोआ के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। ये हेल्दी भी है और टेस्ट में भी कुछ कम नहीं है, तो आप ट्राई कीजिए ये कॉम्बिनेशन। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।